गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, माई सेल्फ संदीप पाराशर एंड आई एम वेलकमिंग यू इन द ऑनलाइन क्लासेज एंड कंप्यूटर क्लासेज। ऑल ऑफ यू आर गुड एट होम? ओके। फोर्थ क्लास, आज हम आपके कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। All of you are familiar with this word computer. Computer is a electronic device. It is used to calculate, store and retrieve data. Means computer एक electronic device है जो data को store करता है, calculate करता है और ज़रूरत पड़ने पर user को वापस देता है. In our book we have a computer is made up four types of devices: input device, processing device, output device and storage devices. हमारा computer चार चीज़ों पर काम करता है: input, process, output and storage. हम जो input देते हैं उस पर process होती है, उससे output बनता है और वो हमारे computer पर store हो जाता है. जैसे इनपुट हम हमारे फ़ैन को चालू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बटन को प्रेस करते हैं, स्विच को प्रेस करते हैं, फिर करंट जाता है वो होता है प्रोसेस, और फिर फ़ैन स्टार्ट हो जाता है और वो होता है हमारा आउटपुट. ओके, इन कंप्यूटर्स वी गिव द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, लाइट पेन, प्रोसेसिंग डिवाइस. इफ़ वी टाइप ए बी 2+2 then they start the process, they start the calculation and output will come in 4. means हम computer पर 2 और 2 plus करते हैं तो उस पर process होती है और output आता है हमारे पास 4 और वो हमारे computer पर store हो जाता है. let us learn about input device, process device, output device and storage devices. इस chapter में हम लोग input device पढ़ेंगे, प्रोसेस डिवाइस पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे और स्टोरेज डिवाइसेस भी पढ़ेंगे. इनपुट डिवाइसेस एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर बाय मींस ऑफ इनपुट डिवाइसेस. द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस. तुम लोगों ने लैब में देखा होगा कि हमारे पास एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है जिससे हम लोग कंप्यूटर को चलाते हैं. सो आवर मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइसेज इज कीबोर्ड एंड माउस, जिससे हम डाटा इनपुट देते हैं जो उस पर कार्य करता है. कीबोर्ड इज यूज टू इनपुट आवर वर्क इनटू द कंप्यूटर. कीबोर्ड पर हम जो लिखते हैं वो हमारे कंप्यूटर में जाता है. और एक माउस से हम जब पिक्चर ड्रॉ करते हैं, हम लोगों ने पिक्चर ड्रॉ की होगी ना MS पेंट पर, तो उसकी सहायता से उसे उसमें ड्रॉ किया जाता है. इनपुट और माउस को आप लोग जानते होंगे, दीज आर मोस्ट कॉमनली. आफ्टर दिस वी हैव सो मैनी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस लाइक जॉयस्टिक. दिस इज आवर जॉयस्टिक, इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. जॉयस्टिक गेम खेलने में काम आती है. जैसे तुम लोग घर पर रिमोट से गेम खेलते हो, वैसे कंप्यूटर में जॉयस्टिक गेम खेलने में काम आती है. माइक्रोफोन का यूज़ हमारे वॉइस कमांड से कंप्यूटर को चलाने में किया जाता है और वॉइस को रिकॉर्ड करने में किया जाता है. लाइट पेन, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन. इट इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ फिगर्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन. हम हमारे स्क्रीन पर कुछ लिखना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, लाइट पेन का. और डायरेक्टली हम उसमें कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, लाइट पेन का. नेक्स्ट स्कैनर, इट इज़ यूज टू इनपुट पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर. इसका यूज़ हम हमारे कंप्यूटर में किसी भी पिक्चर को एंटर करने के लिए करते हैं. टच पैड, नाउएडेज ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विथ टच पैड. लैपटॉप होता है, लैपटॉप में एक टच पैड होता है जिसके ऊपर हम हमारी फिंगर को मूव करते हैं और वो वर्किंग करती रहती है. और
फ़ोन पर नॉर्मली आजकल हमारे पास टच पैड होता है। इट इज़ यूज टू मूव द माउस पॉइंटर विथ योर फिंगर। एज यू मूव योर फिंगर ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द टच पैड द माउस पॉइंटर ऑल्सो मूव इन द सेम डायरेक्शन। जब हम हमारे लैपटॉप के टच पैड पर अपनी फिंगर को घुमाते हैं तो हमारा माउस का पॉइंटर हमारे कंप्यूटर पर घूमता रहता है। आफ्टर दिस प्रोसेसिंग डिवाइस। द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द CPU इज प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। द CPU डज ऑल द कैलकुलेशन ऑफ द कंप्यूटर। आप लोगों ने देखा होगा हमारे कंप्यूटर के साथ एक नीचे एक बॉक्स होता है जिसे हम CPU बोलते हैं। आपको पढ़ाया भी गया होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है और हम लोगों ने जो भी डाटा एंटर किया है उस पर कार्य कौन करता है? CPU। जितनी भी कैलकुलेशन है वो कौन करता है? CPU, फुल नेम ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो जैसे हम लोगों में सारी कैलकुलेशन कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है, ह्यूमन ब्रेन। तो उसी तरह हमारे कंप्यूटर की सारी कैलकुलेशन कौन करता है? CPU करता है। तो CPU जो कैलकुलेशन करता है तो CPU हमारे कंप्यूटर का क्या कहलाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट ऑल्सो डज कैलकुलेशन एंड मैनी अदर थिंग्स। द CPU इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों कहलाता है? बिकॉज इट इज़ डूइंग एनीथिंग, इट इज़ डूइंग कैलकुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ द डाटा। CPU हैज़ 3 पार्ट्स। CPU में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ALU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। CU, कंट्रोल यूनिट। MU, मेमोरी यूनिट। इट डज ऑल द कैलकुलेशन। ALU, इट डज ऑल द कैलकुलेशन। हमारा जो ALU होता है उसमें सारी कैलकुलेशन होती है। CU एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे कैलकुलेशन को भी कंट्रोल करता है और दूसरी चीज़ों को भी कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। इट टेल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हाट दे शुड डू। ये बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। MU, इट स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन टेम्पररली। ये हमारे डाटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे एट होम, स्टे सेफ और अच्छे से पढ़ें।